गन्ने में पत्तियां निकालना एवं बंधाई। गन्ने जैसे नकदी फसल में पत्तियां निकालना एवं बंधाई सामान्य विधि है जो दिखते आम है लेकिन बहुत सारे फायदे प्रदान करते हैं। पत्तियां निकालने में नियमित अंतर पर नीचे की अनचाही सूखी और पीली पत्तियों को निकाला जाता है। बंधाई में नीचे की सूखी और हरी पत्तियों को इस्तेमाल करते हुए गन्ने को पत्तियों से बांधा जाता है। आइए इन दोनों तकनीकों के बारे में और जानते हैं। पुरानी सूखी और पीली पत्तियों को निकालना। इस विधि को पूरी बनने के बाद करीबन बुवाई के 150 दिन पश्चात मजदूर की उपलब्धि अनुसार महीने में दो बार करना चाहिए। पत्तियां निकालने से खेत साफ रहता है, हवा प्रवाह बना रहता है और फसल के आसपास कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण बढ़ता है। इससे बेहतरीन सूक्ष्म जलवायु तैयार होता है जो गन्ने के अधिक पैदावार के लिए उत्तम है। इससे चूहे, गिलहरी जैसे कुतरने वाले जानवर, शल्ली कीट, सफेद मक्खी, मीली बग आदि की समस्या भी कम हो जाती है। कुछ किस्मों में पत्तियों में पानी इकट्ठा होने से आंखों में फुटान शुरू हो जाता है। पत्तियां निकालने से कली का फूटना कम हो जाता है जिससे मुख्य तने का विकास होता है और चीनी ज्यादा बनती है। इससे आप खेत में आसानी से चल सकते हैं और ड्रिप लेटरल पर निगरानी भी रख सकते हैं। साथ ही गन्ना कटाई में भी सुविधा होती है। निकाली हुई पत्तियां पलवार एवं कंपोस्टिंग यानी खाद बनाने के लिए उपयोगी हैं। बंधाई में नीचे की सूखी और हरी पत्तियों में गन्ना को पत्तियों के साथ बांधा जाता है। यह गन्ना को टूटकर गिरने से बचाता है। आमतौर पर गन्ने से जुड़े निचले पत्तियों को रस्सी की तरह घुमाया जाता है और तने के साथ बांधा जाता है। यह हर पंक्ति के लिए एवं दो पंक्तियों को साथ में किया जा सकता है। कुछ क्षेत्रों में बंधाई के लिए बांस के डंडे इस्तेमाल किए जाते हैं लेकिन वह बहुत महंगे होते हैं। जब गन्ने का ऊपरी हिस्सा भारी हो जाता है और तेज हवा होती है तब बंधाई जरूरी है। तो किसान भाइयों, इन तकनीकों को गन्ने की खेती में अपनाइए और उच्च उपज सुनिश्चित कीजिए। ऐसी और अधिक जानकारी के लिए हमारी कृषि ई विज्ञान सीरीज के साथ बने रहिए।